महाराष्ट्र में होगा अब बड़ा बवाल। बाबा सिद्दीकी की सीट से चुनाव लड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई। महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले एक बार फिर से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी की सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अभी से विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन का तमगा ले चुका लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई से कोई भी शख्स, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता, जरा सा भी पंगा लेना नहीं चाहता। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का खौफ पूरे देश में अति विशिष्ट लोगों में फैलता जा रहा है, उससे ये साफ है कि कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहेगा। आखिर कोई नेता क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना चाहेगा? यही डर और खौफ बड़े बड़े नेताओं की चिंता और ब्लड प्रेशर दोनों ही बढ़ा रखा है। अब आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री कैसे और क्यों होने वाली है। क्या महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का राज शुरू होने का दौर आ गया है? दरअसल हाल ही में चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत एक राजनीतिक दल उत्तर भारतीय विकास सेना ने लॉरेंस बिश्नोई की ओर से नामांकन दाखिल करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से एबी फॉर्म की मांग की। आपको बता दें कि एबी फॉर्म नामांकन दाखिल करने के लिए एक आवश्यक और औपचारिक दस्तावेज होता है। उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता सुनील शुक्ला पश्चिम बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नामांकन दाखिल करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी का था, जो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद से अब इस सीट से बाबा सिद्दीकी के हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले बिश्नोई गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो चुकी है। रिटर्निंग अधिकारी को लिखी चिट्ठी में सुनील शुक्ला ने दावा किया कि वे फॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई का हस्ताक्षर ले लेंगे। यह बिश्नोई की उम्मीदवारी को मानकर लिया गया एक आवश्यक कदम है। यह बात लॉरेंस बिश्नोई को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट देने की पेशकश के बाद कुछ दिन बाद की गई। चिट्ठी में पार्टी ने यह भी दावा किया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने मंजूरी दे दी तो वह जल्द ही 50 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में उसका नाम चर्चा में आया था। पश्चिमी बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेखनीय राजनीतिक महत्व है। दरअसल यह बाबा सिद्दीकी का निर्वाचन क्षेत्र था। उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता सुनील शुक्ला पहले खार पुलिस स्टेशन गए और फिर बलकरण बराड के नाम से नामांकन पत्र लेने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बलकरण बराड कौन है? तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का ही असली नाम बलकरण बराड है। लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाकर उत्तर भारतीयों का दबदबा बढ़ाने की ये नई पहल साबित हो सकती है और पार्टी को पब्लिसिटी भी मिल सकती है। इसीलिए शायद इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ाने का न्योता भेजा गया है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अब ऐसे में यह देखना अपने आप में दिलचस्प होगा कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ने का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है या नहीं। अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनावी मैदान में आता है तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।